नमस्कार नमस्कार। अब शुरू करते हैं एक्चुअल प्रोग्रामिंग पाइथन की। और इस सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपके मैथमेटिकल फंक्शन की। देखिए, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और या भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, वो किसी न किसी साइंटिफिक ऑपरेशन के लिए, किसी कैलकुलेशन के लिए, या किसी यूजर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज होती है। तो उसमें वो सारी विधाएं होती है, सारे ऑप्शंस होते हैं जिससे हम अपने कैलकुलेशन और मैथमेटिकल चीजें कर सकें। साथ में प्रिंटिंग वगैरह भी है। तो हम शुरुआत करते हैं अपने नॉर्मल वेरिएबल से। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि हमको वेरिएबल को कुछ डिफाइन नहीं करना पड़ता। जैसे हम इंट, अगर आपको याद होगा, तो इस तरीके से हम करते थे इंट एक्स सी में। लेकिन हमको इसमें ये सब करना नहीं पड़ेगा, फ्लोट एक्स, फ्लोट वाई या डिक्लेरेशन, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये इस तरीके से कर दें एक्स इक्वल टू फाइव, केवल इतना ही कर दें। देखिए, सेमी कॉलन की भी आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। तो वो कभी कभी सेमी कॉलन छूट जाता था, तो उसके कारण काफी एरर आ जाती थी, उसकी भी आवश्यकता नहीं है। आप एक्स इक्वल टू फाइव करिए, एक्स को फाइव की वैल्यू मिल चुकी है और एक्स ये जान चुका है कि इसके पास इंटीजर वैल्यू आई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें टाइप या नहीं होता है, ये पाइथन में बैकग्राउंड में ये होता है, बट केवल ये आपको क्लीनली लेस के लिए या फिर यूजर फ्रेंडली लेस के लिए ये चीज बताई गई है। आपको यहां इंट फ्लोट लिखने की जरूरत नहीं है, अपने आप इंटरनली मैनेज हो जाएगा। अब देखते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं आपका, क्योंकि एक्स इक्वल टू फाइव आ गया ना। अब हम क्या करते हैं कि इसको बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं कि कुछ कैलकुलेशन। अगर हमें ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, थ्री प्लस टू क्या आएगा, ये फाइव, ये प्लस का बात हो गई। इसी तरीके से अगर मैं थ्री प्लस एक्स कर दूं तब क्या मिलेगा मुझे, देखिए एट, क्योंकि एक्स को फाइव वैल्यू हम दे चुके। इसी तरीके से अगर माइनस करना है, मान लीजिए एक्स माइनस टू करके देखते हैं, तो यहां पर आपका, क्योंकि एक्स के पास फाइव वैल्यू है और टू माइनस किया तो थ्री आ गया। इसी तरीके से एक्स इंटू इंटू के लिए यहां पर साइन होता है स्टार, तो शिफ्ट दबाइए और एट के ऊपर जो भी साइन आएगा वो कीबोर्ड में, तो आप टू करिए, देखिए फाइव इंटू टू आना चाहिए, यहां पर ये टेन आ गया। या आप ऐसे भी चेक कर लेते हैं, थ्री इंटू फोर ये ट्वेल्व आएगा। तो ये मल्टीप्लीकेशन वाली बात हो गई। अब डिवीजन देख लीजिए, डिवीजन में मान लीजिए आप फाइव डिवाइड बाय टू करना चाह रहे हैं, तो आपके पास ये इंटीग्रल वैल्यू आएगी, यानी 2.5 चाहिए, इंटीग्रल आएगी। डिवीजन का तरीका ये होता है, बस इसको अगर आप और समझना चाहेंगे तो आप बस इसको 5.0 कर दीजिए, क्योंकि जो ये वैल्यू है ये डेसिमल में आएगी ना, फ्लोटिंग वैल्यू है ये, तो उसको दर्शाने के लिए आप केवल 0.0 कर दें तो भी आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, 5 को 5 रहने दीजिए, नीचे 2.0 कर दीजिए तो भी चल जाएगा। या ये भी करके देखते हैं, एक और ऑप्शन है अपने पास, देखिए ये 5 के बाद 2.0 की जगह 2 पॉइंट भी लगा देंगे ना, या 5 पॉइंट भी लगा देंगे तो भी ये वही वैल्यू देगा। तो ये डिवीजन की बात हो गई, मल्टीप्लीकेशन हो गया, एडिशन हो गया। अब आता है आपका एक्सपोनेंशियल। जैसे आपको 2 की पावर 3 करनी है, तो हमारे पास एक्स में क्या वैल्यू है, 5, तो करके देखते हैं, एक्स के ऊपर ये दो स्टार लगाने पड़ेंगे तो एक्सपोनेंशियल होगा, कि एक्स की पावर 2, तो 5 की पावर 2 क्या होती है, 5 इंटू 5 ये 25 आ गया। तो ये एक्सपोनेंशियल की बात होती है, ये आपका स्कोप कर देगा। ये कितनी बड़ी वैल्यू आ सकती है इसमें, ये आपकी मेमोरी पर डिपेंड करता है, बस बहुत आसान है। अब क्या करते हैं, हमारे पास एक्स तो थी, क्या करते हैं वाई को भी कोई वैल्यू देते हैं। वाई को हम दे देते हैं वाई इज इक्वल टू, चलिए 3 दे देते हैं। अब एक्स के पास क्या वैल्यू है, 5, और वाई के पास वैल्यू है 3। ये आप अपने ऊपर, जब मैं ये जो आप सीखेंगे तो अपने हिसाब से वैल्यू दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो समझाने का तरीका है। अब मैं करके दिखाता हूं आपको। अब मैं कुछ नहीं लिखूंगा, मैं नंबर लिखूंगा ही नहीं, मैं सीधा एक्स प्लस वाई कर देता हूं, देखिए क्या वैल्यू आएगी। एक्सपेक्टेड थी 5 और 3 8 होता है। अब एक्स और वाई का आप एक्सप्लेनेशन निकाल सकते हैं, देखिए वेरिएबल कितना आसान हो गया यहां पर काम करना। आपको न सेमी कॉलन की आवश्यकता है, ना किसी कमांड की आवश्यकता है, यहां पर फटाफट आपके काम हो रहे हैं। अब आप ये कहेंगे कि देखिए आपने तो ये वैल्यू यहां पर दे दी, अब हम क्या है, यूजर से वैल्यू लेना चाहते हैं, फिर क्या करेंगे, उसका भी तरीका है हमारे पास। आप कोई नई चीज बनाइए जेड, और उसमें आप यूजर से वैल्यू लीजिए,
कैसे लेंगे, उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा इनपुट, और यहां पर अपना जो भी आप स्ट्रिंग देना चाहे यूजर को, जो भी दिखाना चाहिए, सॉरी सेमीकॉलन की आदत पड़ी हुई है हमें, एंटर वैल्यू। तो जो भी वैल्यू यूजर एंटर करेगा वो वैल्यू जो है आपके जेड में चली जाएगी, और जब जेड में चली जाएगी तो हम उसका फिर आगे उपयोग कर सकते हैं। तो मैं यहां पर जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो यहां पर एंटर वैल्यू मांगेगा, मैं कर देता हूं इसको मान लीजिए 4। तो साहब एक्स में 5 है, वाई में 3 है, और जेड में 4 वैल्यू है। अब आप जो एप्लीकेशन करना चाहेंगे, जो चीज करना चाहेंगे, वो यहां पर वो अपना काम करेगा। जैसे मैं जेड की पावर अगर वाई करूं तो भी मुझे जो वैल्यू दरकार है, जेड मेरे पास है 4 और वाई मेरे पास है 3, तो 4 × 4 × 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64। तो ये मैंने आपको कुछ वो बताए, अर्थमेटिक ऑपरेशन है, एक्सपोनेंशियल है, वैल्यू यूजर से इनपुट कैसे करना है, वैल्यू इनिशियलाइज कैसे करना है। अब मैं इस नोट पे आपको खत्म करूंगा कि डिवीजन के बाद एक मॉड्यूलो ऑपरेटर भी होता है। जैसे मैं करना चाहूंगा आपका एक्स ले ले, वाई ले लेते हैं, एक्स एक्स डिवाइडेड बाय वाई। तो एक्स मॉड्यूलो डिवीजन हो चुका वाई, तो एक्स मॉड्यूलो वाई क्या आएगा, एक्स मॉड्यूलो वाई जो रिमाइंडर आएगा वो वैल्यू आती है। तो अगर आप 5 को 3 से डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर बचता है, वो यहां पर आएगा। आप अगर वैल्यूज चेंज करना चाहे, फुल फ्लोटिंग पॉइंट करना चाहे, तो आप उसको जैसे मैंने आपको ये तरीका बताया, 0.0 लगा दीजिए, नीचे लगा दीजिए, या पॉइंट ही लिख दीजिए, तो भी आपका काम बन जाएगा। तो ये हमारी बात हुई अर्थमेटिक ऑपरेशन की और वेरिएबल्स की। धन्यवाद, शुक्रिया।